हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो है ये समूचे चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आप यह जान जाइए कि दूसरा चैप्टर पढ़ाना नहीं है, तीसरा हमने पढ़ाया है, फिर चौथा चैप्टर नहीं पढ़ाना है, फिर हमने पांचवा पढ़ा दिया है, फिर छठवां नहीं पढ़ना है, अब हम सातवां पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या आज विविध एक्सरसाइज की जो हमने यन ए यूनियन बी पे क्वेश्चन बताया था, अगर वो तीन होगा, जैसे विविध एक्सरसाइज ये पढ़ाना है हमको, विविध विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली में क्या हमको देखना है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखते थे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। इस पर हमने एक्सरसाइज कौन सा पढ़ा है, इस पर एक्सरसाइज 1.6 पढ़ा है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी रहे तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फार्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो मैं इसी पे कोशिश कर रहा हूँ, विविध एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है उस पे क्वेश्चन हम बता दें, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, पहले हम क्या करना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया है, सेकंड संबंध और फलन नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमने तीसरा पढ़ा है त्रिकोणमिति फलन, चौथा फिर नहीं पढ़ना है, पांचवा पढ़ा दिया है, छठवां फिर नहीं पढ़ना है, ओके। ये बात बता रहा हूँ, अब मैं क्रमचय और संचय शुरू करूँगा जो चैप्टर 7 है, ओके। तो पहले हम इस पे जो है एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, तब वो चीज़ हम शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उसी के बेस पे उसी को मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन नंबर, ये 16 है। 16 में क्या कह रहा है, एक सर्वे में पाया गया कि 21 लोग उत्पादन ए और 26 लोग उत्पादन बी 29 लोग उत्पादन सी पसंद करते हैं, यदि 14 लोग ए और बी पसंद करते हैं। यहाँ देखिए 14 लोग क्या पसंद करते हैं, ए और बी, 12 लोग सी तथा ए और 14 लोग बी तथा सी पसंद करते हैं और 8 लोग तीनों ही उत्पाद को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। आई बात समझ में, तो इसको वैन आरेख से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यह समझ लीजिए इसमें क्या है, ए बी सी तीनों दिया है कि नहीं है, तीन एलिमेंट दिए हैं, तीन सर्वे कर रहा है, तो पहला सर्वे ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए हम लिखते क्या है इसको, एन ए एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली का एक्सरसाइज है 16 है। 16 में क्या लिखा है, एन ए एन ए एन ए इक्वल टू 21, एन बी है 26, एन सी में है 29 है, ओके। फिर लिखा है ए और बी दोनों पसंद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं,
फिर क्या है, और सी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ हम एन लिख देते हैं, एन मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, इसमें है 12 लोग हैं और एन ए बी और सी, तो यानी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में है 14 लोग हैं, और तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में हैं 8 लोग पसंद करते हैं, 8 पसंद करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि सिर्फ हमको कितने में चाहिए, सी में कितने लोग पसंद करते हैं, केवल केवल उत्पाद सी कितने लोग पसंद करते हैं, यही चीज़ हमको निकालना है, ये चीज़ याद करना, ये ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 16, इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन पहले हम 16 बता लेंगे तब हम ऊपर के क्वेश्चन बताएंगे। ओके, अब देखिए हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले ये वैन आरेख से करेंगे, तो वैन आरेख में क्या करते हैं, तीन हम सर्किल बना लेंगे, ये है तीन सर्किल, ये देखिए। ओके, तो तीन सर्किल में इसका नाम क्या ए है, ए बी है और ए सी है। अब देखिए तीनों में कौन कौन सा रीजन किसके पास है। ओके, तो यहाँ देखिए यह जो रीजन है, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों सर्किल में है, आई बात समझ में। तो तीनों सर्किल का क्या मतलब हुआ कि तीनों सर्किल में जो तीनों में एलिमेंट है ए बी सी, तीनों में कितने 8 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम इसमें 8 फिलअप करेंगे, समझ में बात आ गई। तो ये देखिए ये 8 फिलअप हो गया। अब देखिए हम क्या चलते हैं, अब हम पूरा ये सर्किल लेके चलें, ये देखिए इसको लेके चलते हैं ए में, फिर ये देखिए ये बी का पार्ट है, और फिर ये किसका पार्ट है, ए सी का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट हैं, यहाँ 14 एलिमेंट हैं, तो हमने 8 पहले ही फिलअप कर दिया, तो बचा कितना, बचा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, समझ में बात आ गई। उसके बाद से देखिए अब दूसरा क्या है, यह है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट हैं, तो ये देखिए इसमें पहले हमने क्या भर दिया है, 8 भर दिया है, कितना बाकी है, 4 बाकी है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने 4 फिलअप कर दिया, अब क्या है कि इस तरह से यह देखिए ये पूरा हो गया, ये सर्किल पूरा हो गया, तो कितना हुआ 8, 6, 12 और 6 कितना हुआ 18 हो गया, तो ये 18 एलिमेंट हो गए। आई ए में है कितने, ए में देखिए यहाँ कितने एलिमेंट है, 21 एलिमेंट हैं, तो 18 पहले भर दिया, तो बचा कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हम देखिए ए को पूरा कंप्लीट करके देखें, ये सर्किल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप काउंट कर लेंगे तो कितना होगा 21 होगा, देखिए 8, 4, 12, 6, 18, 18, 3, 21, ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए बी पर, इसी तरह क्रमशः हम चलेंगे, ये बी का एलिमेंट है, तो बी में क्या देख रहे हैं, बी में आप देखिए पहले जो इंटरसेक्शन की जगह होती है उसमें फिलअप करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी,
यहाँ देखिए बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो ये बी है और ये सी है, तो कितना हो जाएगा बी और सी में, तो बी और सी में 14 है, आपने भरा कितना है, यहाँ पे देखिए 8 भर दिया है इस सर्किल में और इसमें 8 भर दिया है, कितना बाकी है तो 6 बाकी है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, हो गया 6 भर दिया। उसके बाद से क्या लिखते हैं, अब बी में देखें कितने एलिमेंट पूरा है, अब बी में कितने हैं, यहाँ पे देखिए 26 एलिमेंट हैं, तो ये है 6 12 6 6 12 8 20, और कितने एलिमेंट है 26 एलिमेंट है, तो बचा कितना, यह 6 एलिमेंट बचा, तो 6 हम फिलअप कर दिए। अब देखिए आ जाइए सी पर, सी में यहाँ देखिए 29 एलिमेंट है, अब सब भर गया है, 29 है तो बचा कितना, ये देखिए 8 4 12 12 और 6 हो गया 18, 18 और 29 है तो कितने एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है। आई बात समझ में, तो इस तरह से आप देखिए उत्पाद सी पसंद करने वाला रीजन कौन सा होगा, ये रीजन है, ये रीजन है सिर्फ उत्पाद सी पसंद करने वाले, ठीक है। तो यह है उत्पाद सी, तो लिखेंगे अतः केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले की करने वालों की संख्या इक्वल टू हो गया 11, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया 11 हो गया। तो देखिए ये तीन अगर सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो उसमें हम जब भी करेंगे क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा।